साथ ही समुद्र के किनारे ये जगह है, समुद्री क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन देखिए पीने के पानी के साधन क्या है, बावड़ी है, कुआं जिसे हम बोलते हैं, इतना शुद्ध साफ पानी आता है इसमें। सुपारी आपने देखी होगी, ये यहाँ पे मैं गोवा में हूँ, इस टाइप की होती सुपारी जो हम सुपारी पान में इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसा दाना होता है, इसके अंदर होता है, ये दिख रहा है, ये सुपारी है, तो ये चीज़ें होती हैं। ये सुपारी आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसकी लाइफ बहुत होती है, झोपड़ी जो भी मकान मकान में बनाने के इस्तेमाल में लेते हैं इसका। ये ऐसे पेड़ होता है, बिल्कुल स्ट्रेट है एकदम, बस फर्क इसमें इतना होता है नारियल के पत्ते बड़े बड़े होते हैं और इसके उतने बड़े नहीं होते हैं, ये स्ट्रेट ऊपर लगे हुए हैं। पूरी सुपारी की झाड़ है इधर पूरा, जितना भी देख सकते हैं जी। एक पेड़ ही देख रहे होंगे आप सामने, एक मेरी उंगली की सीध में, ये उड़द का फल, इतना बड़ा फल आता है इसमें, तो इसका तेल बनता है, बाकी और किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं होता है, इसका तेल निकाल के जिसे दिया जलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों एक गरम मसाले का पेड़ है, मराठी में इनकी लैंग्वेज ये मिरकाटा करके बोलते हैं, ये उग रहा है यहाँ पे, इतना ये पौधा जा रहा है, ऊपर बेल जाएगी, इस पर लगते हैं मिरकाटा करके, आप नेट पर सर्च मार के देख सकते हैं, मराठी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको और भाषाओं में क्या बोलते हैं, मैं अभी पहली बार देख रहा हूँ इन चीज़ों को। यहाँ पर मिर्चियाँ आपने देखी होंगी, देखिए हमारे यहाँ पे लंबी टाइप की मिर्ची होती है, ये है गोवा की मिर्ची, ये बड़ी फेमस मिर्ची होती है, ऐसे आते हैं गोल गोले, इन्होंने यहाँ पे लगा रखा, पानी डालते होंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे दिन मर्जी रोज़ की जो दिनचर्या के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं ये सारी। देखिए ये सुपारी का ये लटक रखा है यहाँ पे, सुपारी का आप देखेंगे वो इस पर वो गुच्छे टाइप के ऊपर लगते हैं, इस पर लगने लगे हैं छोटे पौधे, अभी इस पर भी शुरू हो गया लगना। ये अनानास होता है, ये देखिए अनानास कैसे होता है, ये पौधा होता है, इस पर इन्होंने लगा रखे हैं, यहाँ पे दो अनानास आ रखे हैं, इस पर आ रखा कितना सुंदर आ रखा है, ये देखिए ये अनानास का पेड़ है। ये सब जानकारी मैं आपको गोवा से ही दे रहा हूँ, इन भाई साहब ने यहाँ पे जिनका है ये बहुत अच्छा, इन्होंने यहाँ पर कर रखा है सारे, कई सारे हर्बलिज्म के प्लांट्स भी हैं यहाँ पर, जानकारी के अभाव में लोग इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जी। तो इस प्रकार से बावड़ी बिल्कुल पास में है, मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ आपको, इतनी सुंदर मैं अभी बावड़ी बना रखी है, और पानी कितने साल पुराना होगा वैसे भी? 100 साल हो गया। इस बावड़ी को कम से कम 100 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसी पानी का प्रयोग करते हैं पीने के लिए अपने दिनचर्या में। ये नारियल के पेड़ देखते हैं, 100 साल लाइफ बता रहे हैं, 100 साल की लाइफ बता रहे हैं, इसको मकान मकान की कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। देखिए आम का पेड़ छोटा सा पेड़ है, इस पर फल आने लगे हैं, ये पेड़ कितना छोटा पौधा है लेकिन फल आ रहे हैं, ये नारियल गिरे होंगे ऊपर से क्योंकि गिर जाते हैं अपने। मैं इनका ज़्यादातर यहाँ पे जो देखने में मिल रहा है ये सारे सुपारी के पेड़ हैं, सुपारी की पैदावार बहुत ज़्यादा है इनके यहाँ पे। आम देख सकते हैं आप कितना पूरा लटक रखा है, आम के पेड़ ये सारे यहाँ पे इस प्रकार से, ये देखिए सुपारी के छोटे पेड़ ऐसे होते हैं पौधे, ये पौधे लगा रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, इनको सिप कर देंगे बाद में जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो, जहाँ पे अभी इन्होंने एक प्रकार का यहाँ पे बो रखे हैं, ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में हैं। ये नारियल के पेड़ ऐसे होते हैं, जब हम बड़े नारियल देखते हैं, देखिए इसके पत्ते देख सकते हैं आप कितने बड़े पत्ते हैं, सुपारी के छोटे पत्ते होते हैं, बाकी डिफरेंट नहीं ज़्यादा सब में, ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार के होते हैं सारे पेड़ पौधे। ये हाँ ये आम का पेड़ है, आम भी होता है गोवा में, आम अच्छे होते हैं यहाँ पर मैन, यहाँ पर जो ज़्यादातर हैं दिखाने में आ रहे हैं आपकी सुपारी और नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या देखिए समुद्री पानी इसमें आने के कारण ये खेती इस्तेमाल नहीं की जा सकती, ये समुद्री पानी में होता है या नमकीन पानी में, लेकिन इसको ना कोई जानवर खाता है, ना ये किसी भी प्रकार के इसमें यूज़ में ले सकते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे ज़मीन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता अगर समुद्र का पानी एंटर कर जाता है जब, तो यहाँ पर बाकी नारियल वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं साथ में, लेकिन ये ज़मीन ये यूज़ नहीं कर पाते यहाँ पर। साथ ही देखिए बावड़ी है, इसके पास में जो पहले साधन थे इनके जो बुज़ुर्ग होंगे, इनके जो मतलब परिवार के बुज़ुर्ग पुराने लोग होंगे, उस टाइम में इन्होंने ये बावड़ी यहाँ पे इसके बाद कपड़े वपड़े धोने के लिए देखिए ये बनाया है, ये इसमें डेट डली हुई है 15 मार्च 1596 को ये बना हुआ है, तब से इस्तेमाल में हो रहा है ये, देखिए अभी भी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, कितना मजबूत बना होगा उस टाइम से, आज का वैसे ही पड़ा है यहाँ पे, इस्तेमाल करते थे पानी इसमें से निकाल के, फिर अपना कुछ भी करना है धोना धाना वगैरह इस टाइप से, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये। हेलो साथियों, समुद्री किनारे क्षेत्र में जैसे पानी की समस्या, समुद्र में तो बहुत पानी है लेकिन खारा पानी होने के कारण उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे ऐसे बावड़ी होते हैं, यहाँ पे बावड़ी बोलते हैं इसको, हम हमारे यहाँ पे जैसे कुआं वगैरह बोलते हैं इसको, इसमें से निकालते हैं, बहुत ठंडा स्वच्छ पानी होता है, बिल्कुल इसी का प्रयोग किया जाता है यहाँ पीने के लिए। मैं ये जानकारी मैं आपको गोवा से दे रहा हूँ, मोरजिम करके एक जगह, ये रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, ये हाँ इसमें कुछ डालेंगे बांटेंगे जैसे भाई साहब निकाल रहे हैं, ये ऐसे करके फिर बर्तन डाल के ऊपर खींचेंगे इसको,
बाकी इन्होंने ऑप्शनल कर रखा है, इसमें पाइप भी लगा रखा है, मोटर के द्वारा भी इसको निकालते होंगे। तो इस टाइप के बनते हैं यहाँ पे, इस टाइप के बावड़ी या कुआं इनको हम कह सकते हैं। और साथियों ये देखिए, ये भाई साहब का पेड़ है, ये है, ये इसके थ्रू मैं आपको ये जानकारी भेज रहा हूँ। सुपारी आपने देखी नहीं होगी, तो देखी तो होगी पंसारी के यहाँ, लेकिन सुपारी होती कैसे है ये देखिए। ये सारे सुपारी के पेड़ हैं, ये देखिए ऊपर लगे हुए हैं, इसके टॉप में हम देखेंगे सेम नारियल के पेड़ की तरह, लेकिन नारियल के पत्ते बड़े होते हैं, बाकी इसके पत्ते छोटे हैं। ऊपर लगे हैं टॉप में, ये ऊपर गुच्छे टाइप के लगे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारी सुपारी हैं। और ये पान का है, पान जो पान खाते हैं हम लोग, ये पान की बेल जा रही है ऊपर, चढ़ के जा रही है ऊपर सारी, ये यहाँ पे इस टाइप के गोवा में है ये जगह, ये सारे नारियल के। और ये तो सारे सुपारी के हैं, जितने भी आप देख रहे हैं सुपारी के पेड़ हैं, और ये नारियल के पेड़ हैं, इतने बड़े नारियल की तरह ही होते हैं, इसके पत्ते ज़रा बड़े होते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये लग रखे हैं, अगर आप इसको देखेंगे ऊपर वो लटक रखे हैं, ये सुपारी है। बाकी जो ने ड्राई के लिए रखा है मैंने वो आपको दिखाया था, तो इस टाइप के होते हैं सुपारी के पेड़। अमेजिंग व्यू है, कितना इन्होंने बढ़िया यहाँ पे बना रखा अपना गार्डन, सारी सुपारी के मैक्सिमम पेड़ हैं, सुपारी के लगा रखे हैं यहाँ पे, इस टाइप के होते हैं, सब में लगी है सुपारी ऊपर, ऐसा गार्डन है बहुत बढ़िया। कई प्रकार के पेड़ पौधे इसमें इन्होंने लगा रखे हैं, हर्बलिज्म टाइप के हैं सारे, इस टाइप के ये देख सकते हैं आप जी।